और कैबिनेट ने जीएसटी से जुड़े 4 विधेयकों को अपनी मंजूरी दे दी। सरकार अब जल्दी ही संसद से पारित कराने की कोशिश करेगी। जीएसटी से जुड़े 5वें कानून को राज्यों की विधानसभाओं से पारित कराना जरूरी है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। सोमवार को संसद में कैबिनेट ने जीएसटी से जुड़े 4 विधेयकों को अपनी मंजूरी दे दी है। अब इन विधेयकों को इसी हफ्ते संसद में पेश करने और पारित कराने की कोशिश की जाएगी। गौरतलब है कि जीएसटी काउंसिल ने 16 मार्च को हुई बैठक में 2 अहम विधेयकों को मंजूरी दी थी। इसके साथ ही कुल 5 कानूनों को परिषद की हरी झंडी मिल गई है। सेंट्रल जीएसटी कानून के तहत केंद्र सरकार को वस्तुओं और सेवाओं पर जीएसटी लगाने का अधिकार मिलेगा। स्टेट जीएसटी कानून केंद्रीय कानून की ही तर्ज पर बनाया गया है, जिसके जरिए राज्य सरकारों को जीएसटी लगाने का अधिकार मिलने जा रहा है। यूटीजीएसटी यानी यूनियन टेरिटरी जीएसटी विधेयक के जरिए केंद्र शासित राज्यों को भी जीएसटी लगाने का अधिकार दिया जाएगा। इंटीग्रेटेड जीएसटी विधेयक के जरिए राज्यों के बीच वस्तुओं के खरीद बिक्री की स्थिति में जीएसटी की स्थिति साफ की गई है। कंपनसेशन विधेयक में जीएसटी लागू होने के बाद राज्यों को राजस्व के होने वाले नुकसान की भरपाई का प्रावधान है। केंद्र सरकार ने 5 सालों में होने वाले राजस्व के नुकसान की 100% भरपाई का आश्वासन दिया है। स्टेट जीएसटी को छोड़कर बाकी के 4 विधेयकों को संसद की मंजूरी मिलना जरूरी है। ये 4 विधेयक संसद में वित्त विधेयक के रूप में पेश किए जाएंगे। गौरतलब है कि वित्त विधेयक को राज्यसभा से मंजूरी नहीं मिलती है तो 14 दिनों में इसे अपने आप पारित हुआ माना जाता है। इसके बाद सभी राज्यों की विधानसभाओं से स्टेट जीएसटी विधेयक को पारित कराया जाएगा। जीएसटी की 4 दरों 5%, 12%, 18% और 28% को मंजूरी मिल चुकी है। अभी तक इस बात का फैसला लिया जाना बाकी है कि कौन सी वस्तुओं और सेवाओं को किस स्लैब में रखा जाए। जरूरी यह भी है कि जीएसटी का पूरे देश में लागू करने का आईटी सिस्टम जीएसटीएन को भी पूरी तौर पर तैयार कर लिया जाए। माना जा रहा है कि सरकार जीएसटी नेटवर्क का ट्रायल रन 1 मई से शुरू कर सकती है। इसके साथ ही राज्यों और केंद्र सरकार के अधिकारियों का प्रशिक्षण का काम भी जारी है। माना जा रहा है कि कारोबारियों को नए जीएसटी सिस्टम के साथ जोड़ने के लिए सरकार आसान रास्ता तलाश कर रही है। कुल मिलाकर जीएसटी देश में सहयोगात्मक संघवाद की एक अनूठी मिसाल पेश करने जा रहा है। सुधाकर दास के साथ अजय मिश्र, डीडी न्यूज दिल्ली। So let's turn to our guest, Mr. Prateek Jain. Well, it seems like we are at the final stages now. All these bills have been got cabinet approval, but what is left to be done? What is left to be done? Let us understand. So there are a few things. One is, of course, the 4 central legislations have got the cabinet nod. Now it will go to the parliament, and we are expecting it to go to the parliament this week only. So that means that 4 bills, which is CGST, IGST, compensation, the UT GST, will get passed. Right. After that, the state governments will have to pass the state laws. That's but right. 2 other things which are left is, one is the rules, framing of the rules, because what is getting passed right now is only the act. Okay. The rules are still to be framed, and for that GST Council is going to meet on 31st of March. All right. To discuss the rules part of it. And then after that, the work will start on the rate of tax. So while the overall rate of tax of 5, 12, 18 and 28 has been decided and yes. agreed by the council, but which product or which services will fall under which category is something which still needs to be decided. Is that a hard and fast, is it a fixed thing that, once they decide which products go into these categories, will they remain like that, or isn't that flexible? Can't it be changed over time? No, it can be changed over time. So they will start, but whatever changes have to happen, that has to happen through the concurrence of the GST Council. Okay. And GST Council comprises of all the, of course, state governments as well as central government. So the rates cannot be changed by the state unilaterally. Okay. For the state tax, there might be a band which GST Council might give to the states that within 2% they can change. But beyond that, and as far as till now, there is no band which has been decided. So we are expecting that to start with all the states will have same rate. Okay. After that, if the band is provided and that facility is given, the states can change the rate within that band. Sure. But beyond that band, they will have to come to the GST Council for their approval. So let's understand, the lower band is at 5%. What kind of products are likely to be taxed at 5%? Obviously, products of daily use and things like that. Yes. Yes. So what has been indicated is, wherever products currently attract a rate of, let's say, up to 7-8%, those are the products which could fall under 5. Those are things like medicines, things like edible oil, rice, any other items of mass consumption. Those are the items which will fall under 5%. It could also have, if the government decides to impose tax on things like medical services, education, some of that
might fall under that category as well, under 5%, because currently there is no tax on some of these services. So if you impose a tax of 12% or 18% on these services, it will be very inflationary, right? So A, item of mass consumption. B, products and services which currently do not attract tax or attract tax at a lower rate would fall under 5%. And let's look at the other extreme at 28%. Yes, so 28% is a bit of a mystery as of now, because initially the government said that, look, because we have introduced a category of 5% lower rate, we have to have a 28% rate. But the understanding given was that 28% will only apply on few products, which are like aerated drinks, luxury cars, etc. But over a period of time, what we're hearing is that government is thinking about putting several other products under this slab as well. Those could be, you know, consumer durables, FMCG items, cosmetics, etc. As of now, there is the list is not out. We have gone to the government. We have, you know, generally made representation that 28% category should be used only for few products. Otherwise, it will be inflationary, and the whole purpose of GST will be defeated. So we should try and categorize more and more products under 18%, which is a revenue neutral rate. Okay. And only few products under 28%, which are like demerit goods or, you know, those few goods which also attract cess in addition to 28%. हमारे पास सवाल जो हैं वो आने शुरू हो गए हैं प्रतीक. आइए देखते हैं कि पहला सवाल क्या है. जीमेल और ट्विटर दोनों ही जरियों से आप हमें इस कार्यक्रम में संपर्क कर सकते हैं, सवाल कर सकते हैं. आइए देखते हैं पहला सवाल. और जीएसटी को लेकर के जो उम्मीदें थी वो लगातार बढ़ती जा रही हैं, और जीमेल के जरिए ये पहला सवाल हमारी स्क्रीन पर. हाउ इज द सिविलियन गोइंग टू बेनिफिट फ्रॉम दिस? दिस इज व्हाट मुत्तु विसगन हैज आस्क्ड. द सिविलियंस आर गोइंग टू बेनिफिट from two, three things. One is the rate of tax overall should come down. Most of the products today attract 25-26% tax, while services attract 15%, but there is a cascading of tax. So, you know, for service providers, a lot of credits are not available. So least of tax with tax. The other problem is that different states have different rate of taxes on different products. And as a consumer or as a civilian, I always have to make a choice that which state should I buy the product from. And from a company perspective, from industry, it becomes very complicated. So what will happen in GST is that all the taxes will get merged into one tax. It will be a simple tax. All the states will have common laws. The rates should be moderate, and I spoke about 18 and 28, that we'll have to see. But rates will be lower than what you have today, and compliances will be simplified. So if I'm a small business, you know, it's life is easier for me to comply. And also the parallel economy shrinks under GST. So if I'm an honest taxpayer, if I'm a salaried class person, I would always prefer some system like GST, so that the cash economy shrinks and the benefits of that is realized and given to the common man. So overall, do you say that if a neutral tax rate is taken at about 18 or 12, between 12% or 18%, then overall the civilian will be paying less taxes? I mean, less tax on a product, would you think? Yes, yes. So for services, the rate could go up a bit because 15 could become 18. Okay. And therefore, things like telecom, etc., could become slightly more expensive. But overall, the budget, the monthly budget, should be lighter, because most of the taxes on the products, goods, would either remain same or it will come down. Right, so from that perspective, the consumer should get benefited. And also, there is an anti-profiteering clause in the GST laws, which says that any company who is getting benefited out of GST has to necessarily pass it on to the consumers. So you cannot make more profit than you are making today on account of GST. So there is a provision to that effect, which is proposed under the GST laws. That will also mean that companies have no choice but to pass on the benefit to the consumers. Pratik, kya kuch कमोडिटी ऐसी भी होंगी, सर्विसेज ऐसी भी होंगी जो जीएसटी से बिल्कुल एग्जेम्प्ट होंगी, जिन पर कोई सी तरह का टैक्स नहीं लगेगा, विच मीन्स 0% जीएसटी? हाँ, 0% जीएसटी भी होगा. तो कुछ चीज़ें जैसे हैं, आप एग्रीकल्चरल आइटम्स हैं, आप वीट, राइस वगैरह फार्मर से खरीदते हैं, उस पर 0% लगेगा. कुछ लाइफ सेविंग ड्रग्स तरीके की जो चीज़ें हैं, उस पर भी 0% लगने की उम्मीद है. और कुछ चीज़ें हैं जो जीएसटी से कम्प्लीटली बाहर रखी गई हैं, जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं और अल्कोहल है, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा. उस पर जो एग्जिस्टिंग टैक्सेस लग रहे हैं वो लगेंगे. तो 0% आज भी अगर आप स्टेट वैट देखें तो बहुत सी चीज़ों पर 0% लगता है. जो आइटम ऑफ मास कंजम्पशन होती हैं या क्रिटिकल होती हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड चीज़ें होती हैं, उस पर 0% लगने की उम्मीद है. अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं कि हमारे जो दर्शक हैं वो किस तरह के सवाल लेकर के इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं. आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ.
और ये भी जीमेल के जरिए हमारा अगला सवाल, ऑन व्हाट बेसिस बोथ स्टेट्स एंड सेंटर एग्री टू इम्प्लीमेंट द जीएसटी एंड हाउ इट विल इम्पैक्ट आवर इकोनॉमिक इकोनॉमी, चलिए इसको मान लेते हैं, क्या बेसिस है जिस तरह से, या फिर यूँ कहें कि सेंटर और स्टेट किस तरह से एक साथ इसे लागू करें। तो ये एक तरह का लैंडमार्क रिफॉर्म है, बिकॉज अगर आप पहले देखें जीएसटी के पहले, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन है स्टेट टैक्स का और सेंट्रल टैक्स का, वो बिल्कुल अलग अलग है। आज की रेट में सेंट्रल गवर्नमेंट एक्साइज लगाती है, कस्टम्स लगाती है, सर्विस टैक्स लगाती है, और स्टेट गवर्नमेंट वैट और एंट्री टैक्स और लग्जरी टैक्स, अलग अलग तरीके की टैक्सेस लगाती है। अब ये दोनों ये रियलाइज़ हुआ गवर्नमेंट को कि इस तरह का टैक्स सिस्टम इज़ नॉट ग्लोबल, अगर हम ऐसा करेंगे तो इंडिया विल नेवर बी इंटरनेशनली कॉम्पिटिटिव, और इसका जो कंज्यूमर पे बर्डन है वो बहुत ज़्यादा है, बिकॉज टैक्स के ऊपर टैक्स लगता है, अब एक्साइज ड्यूटी पे करते हैं उसके ऊपर, फिर वैट पे कर देते हैं, तो उस वजह से प्रॉब्लम होगी। और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो, हर एक स्टेट गवर्नमेंट अब बिल्कुल फ्री है किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी चीज़ों को ऊपर नीचे टैक्स करने में, तो उस वजह से कंज्यूमर को बहुत परेशानी होती थी, बिजनेसेस को बहुत परेशानी होती थी। तो ये प्रोसेस जो है काफ़ी टाइम पहले शुरू हुआ टैक्स रिफॉर्म का, और 2010 में पहले जीएसटी आने की बात थी। बहुत इसमें लंबा सफ़र तय किया गया है, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ किया है स्टेट्स को अकोमोडेट करने में, और स्टेट गवर्नमेंट ने भी आगे बढ़ करके देश के हित में, ये जीएसटी काउंसिल के थ्रू अगर आप देखें आज तक भी जितना भी डिसीजन, जो भी डिसीजन लिया गया है जीएसटी काउंसिल में, सारा कंसेंसस से लिया गया है। तो एक बहुत बड़ी बात है, और इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट दोनों को अपना ये फायदा दिख रहा है कि बिजनेस को अगर आप प्रमोट करेंगे तो आप टैक्स ज़्यादा कलेक्ट करेंगे, और एक्सपोर्ट्स को आप इंसेंटिवाइज करेंगे, और इंडिया को आप एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म में और आगे ऊंचा देखेंगे। तो ये इस तरह से बड़ा, बहुत ही लैंडमार्क रिफॉर्म है, जिसको आप यू कांट अंडरमाइन दिस होल एफर्ट टेकन बाय द सेंटर एंड स्टेट। Right. And if we have to look at what the states are gaining from this, because it's taken some time to negotiate that compensation bill as well, and they finally decided that it's going to be at a rate of 14% annual growth from 2015-16, and it will be for a period of 5 years. Absolutely. So that's one part of it, that states are completely compensated for 5 years on account of any loss that they might have. Forget about any loss. I mean, as you said, 14% growth is pre-decided, right? So even if then, let's say, for a particular state does not perform that well, but still the tax collection, in that sense, will be taken as 100 plus 14, and they will get compensated. So that's good. And secondly, I think states are realizing that this competition between states, that I am offering you 10 years swaps and therefore you come and set up a factory, it's something which is not a right. It's a flawed policy. So and that has led to unnecessary competition between states. People have gone and set up factories in states where there is hardly any logistics, it doesn't make sense from a business standpoint. And then different states have different rates. So it leads to diversion of trade. If a particular product attracts 5% tax in Delhi and let's say 12.5% in Gurgaon, then always diversion of trade. So states have, I think, realized that in a long run, you have to have a simple tax system. And state to state, the variation should be minimized. And I think those two things have prompted, of course, there is a compensation guarantee for 5 years, and that has helped. But other than that also, the central government has agreed to almost everything with the states have demanded, whether in terms of more flexibility, in terms of deciding the rates within a band, a special treatment for northeastern states, and so on and so forth. Right. So I think states don't have anything to lose, right, really. And if you see the VAT experience in 2005, the revenue collection after VAT was introduced has grown significantly. And one is expecting a similar thing to happen in the GST as well. एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे, तो सवाल और जवाब का सिलसिला लगातार जारी है। आप देख रहे हैं खास इकॉनमी टुडे, चर्चा आज जीएसटी पर जारी है। Losing a lot on transaction fees? Become a member of the BSE and pay 99% less. BSE, experience the new. Sensex is sensational. Is the darling of everyone. I am Vallabh Bhansali. I've been associated with the BSE since 1981. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. To benchmark against Sensex is to benchmark against 30 best Indian companies. I am Dinesh Thakkar. I am associated with BSE since 1987. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. Mood of the nation is always in tandem with Sensex.
I am Ketan Marwadi and have been associated with BSE since 1990. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. Increase your playing field. Introducing S&P BSE 100, India's most broad-based derivatives traded index. India's fastest currency derivatives exchange is here. BSE CDX, powered by Bolt Plus. स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं इकॉनमी टुडे। आज हम चर्चा कर रहे हैं जीएसटी और कैबिनेट ने कल चार कानूनों को मंजूरी दी जीएसटी से जो जुड़े हुए हैं। इसी हफ्ते ये जो चार कानून हैं वो संसद में पेश किए जाएंगे, मनी बिल के तौर पर पेश किए जाएंगे। बहुत उम्मीद लग रही है कि ये जल्दी ही पारित करा लिए जाएंगे, उसके बाद सभी राज्यों की विधानसभाओं से जो स्टेट जीएसटी बिल है उसको पारित कराया जाएगा। जीएसटी नेटवर्क को लेकर के क्या स्थिति है प्रतीक, और क्या वहाँ पर काम ठीक है? कैसे ये जो सारा आईटी सिस्टम है, सीबीएसई का, जीएसटी नेटवर्क का, राज्यों के वैट नेटवर्क का, वो सब एक साथ अलाइन कैसे हो पाएगा? और सबसे बड़ी बात, ट्रेडर्स कैसे अपने सिस्टम को इसके साथ जोड़ पाएंगे? जीएसटीएन बिल्कुल अपने ट्रैक पर जा रहा है और बिल्कुल शेड्यूल पर जा रहा है। ये जीएसटीएन सीईओ से हमारे मुलाकात हुई थी कुछ दिन पहले, उन्होंने बताया कि 70-80 लाख जो लोग हैं जो जीएसटी में माइग्रेट करेंगे, उसमें से करीब 52 लाख जो है ऑलरेडी माइग्रेट कर चुके हैं, इनफैक्ट रजिस्ट्रेशन के लिए, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी ले लिया है। तो इसमें मतलब लार्ज जो संख्या है वो ऑलरेडी कर चुके हैं और उसकी टेस्टिंग वगैरह जो है फाइनल चल रही है। और एक बार आप माइग्रेट कर जाएंगे उसके बाद आई थिंक एक रूल्स का वेट कर रहे हैं वो, क्योंकि रूल्स जब तक फाइनल नहीं होते हैं तब तक जीएसटीएन सिस्टम आपका पूरी तरह से तैयार नहीं हो सकता। तो वो बिल्कुल ठीक जा रहा है और वो भी एक तरह का बड़ा यूनिक सिस्टम है जो आज तक मतलब विश्व में कहीं नहीं देखा गया है कि आप अब जो वेंडर का जो आप इनवॉइस है उनका जो बिल है वो आप अपने अपने परचेज रिकॉर्ड से टैली करेंगे, और जब तक वेंडर अपना इनवॉइस लेवल डिटेल्स नहीं डालेगा जीएसटीएन पे तब तक आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो उस वजह से ये उम्मीद की जा रही है कि जो अपना कैश इकॉनमी है वो जो जीएसटीएन के माध्यम से वो कैश इकॉनमी में कमी आएगी। तो जीएसटीएन में मुझे नहीं लगता कि वो कुछ यू नो प्रॉब्लम होगी। ऑफ कोर्स फाइनल टेस्टिंग और वो सब जो है सॉफ्टवेयर और ये उसका भी बाकी है। और जो डेटा आप शेयर कर रहे हैं जीएसटीएन के साथ में, वो उसके लीकेज की संभावना तो नहीं, वो शेयर कहीं पे नहीं होंगे? क्योंकि तो इन्फॉर्मेशन जो ऐसी है, ट्रेड सीक्रेट्स भी हैं बहुत सारे जो अपलोड की जाएंगी। जी हाँ जी हाँ बिल्कुल, और डेटा सिक्योरिटी को लेकर भी काफ़ी काम किया गया है और उन्होंने काफ़ी उसमें क्लैरिफिकेशन भी दिया है, इंडस्ट्री को आश्वासन दिया है कि उस पर नहीं होगा। डेटा शेयरिंग जो है, जैसे बहुत सारे जीएसपीज उन्होंने किए हैं, जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर्स, उनके लिए भी काफ़ी स्ट्रिक्ट कंडीशंस रखे गए कि अगर डेटा कुछ भी लीकेज हुआ तो उनके अगेंस्ट काफ़ी पेनल्टीज हैं और उनका लाइसेंस जो है कैंसिल करने का प्रावधान है, ये सब चीज़ें हैं। तो उस पर काफ़ी काम किया जा रहा है और इन्फोसिस जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां काम कर रही हैं इस पर। तो उम्मीद है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो इश्यूज हैं वो आइए देखते हैं कि अगला सवाल क्या है हमारे पास इस कार्यक्रम में, क्या जानना चाहते हैं? ट्विटर के जरिए कुछ सवाल ले सकते हैं या फिर चलिए पहला ट्विटर आ चुका है। आई वुड लाइक टू नो द इम्पैक्ट ऑफ जीएसटी इन फार्मास्यूटिकल सेक्टर एंड प्राइसिंग ऑफ ड्रग्स। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। सो इट विल डिपेंड ऑन व्हाट इज द रेट फाइनली दैट यू अग्री यू नो फॉर द फार्मा प्रोडक्ट्स। आई एम एक्सपेक्टिंग दैट यू नो मेनी ऑफ द लाइफ सेविंग प्रोडक्ट्स वुड बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स एंड many others could attract 5% or 12% as the case may be. And if that is the case, that would mean that at least from a tax perspective, incidence perspective, the rate should not go up. The pharma companies also lose a lot of credits today, particularly in cases where they outsource the manufacturing of drugs to third parties. There is typically loss of service tax credits and other input credits. Those losses should not happen there. And of course, price drugs are administered. Price is controlled, so that will be a challenge. That if the tax rate is increasing, effective tax rate, then you'll have to get that approval to increase the price for the drugs. But overall, I think the impact should be positive because the sector should get much more tax credits, which today they're not getting. But obviously, one will have to wait for the rates to come in. Right. Because if the rate of tax goes up, then there is a problem. But Prime Minister also made a statement recently that most of the pharmaceutical products would be either exempt or attracted a concession rate. Okay. So that should not be too much of a concern. We're getting a lot of Twitter and emails. So let's go to our next question very quickly. Let's look at a Twitter question. How will it curb the current black market
Many people don't want to buy taxable items. So how will GST counter this? So the way it will, there are two things which will happen. First is, as a purchaser, I would want a proper invoice on which tax has been charged if I'm a businessman, because I'm getting a credit on that. Today, suppose I'm a real estate developer. If I'm buying cement, tax paid on cement, I don't get any offset because I'm not paying any excise duty on the output, right? Or I'm not paying any IP service tax as a composition rate where I don't get a credit. But tomorrow, because I'm getting a credit, the incentive for me to buy it against cash really goes down. And I will encourage my vendors to do that. The second and more important thing is that your invoices are tracked by the GSTN system. So if I make a sale to you and I issue an invoice and I don't pay the tax, that is automatically tracked in the system and you won't be able to get the credit unless I have made the payment. So as a business, you will encourage, you want to deal with vendors who are honest, who are compliant, and because the question of 18% of credit that you're going to lose, right? Right. So because the chain, the entire chain will be tracked onto the through the GST system, GSTN system, one is expecting that evading tax will become increasingly difficult. Okay. And also the incentive for evading tax will also go down. So those are the two reasons why we believe the black money should go down. So let's look at another question, this time from Gmail. Do we have to pay 2x tax in interstate sales is made, and how much time, okay, and how much paperwork will be involved? Do we have to pay it twice is what he's asking. No, you don't have to pay twice. So on interstate sale, you have to pay a tax called IGST, which is the integrated GST. Whereas when you buy locally, you have to pay central GST and state GST. But the rate of central GST and state GST in total will be same as IGST. So if the rate of CGST is 9%, SGST is 9%, your IGST becomes 18%. So you have to pay only one tax for the IGST, which is the sum total of central GST and state GST. So you don't have to pay tax twice. And as far as paperwork is concerned, paperwork is significantly reduced because, in fact, there is no paperwork in a GST. Everything is online. Online, yes. So there is not a single physical document which you have to go and submit to the government. All the returns are online. Every file has to be uploaded online. The notices will be issued online by the government. Everything is, in that sense, is electronic. So paperwork would significantly reduce. For each state you have to file multiple returns, and that will take some time to settle. But once the GST system settles down, then you will see that it's much better system, much easier to comply with as compared to what you have today. Okay. अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, अगर जल्दी से बढ़ पाएं, ट्विटर या जीमेल के जरिए कौन हम तक पहुंच रहा है जीएसटी पर सवाल के साथ इस कार्यक्रम में. जीमेल के जरिए अगला सवाल मिला है, हाउ आर वी सेटिंग जीएसटी एज वन कंट्री वन टैक्स व्हेन देयर आर फाइव स्लैब स्ट्रक्चर एंड टैक्सेस लाइक जीएसटी एसजीएसटी आईजीएसटी. सो ही वांट्स टू नो व्हाई आर वी सेइंग इट्स वन टैक्स. एब्सोल्युटली एंड वेरी वैलिड क्वेश्चन एंड मेनी ऑफ अस हैव डिबेटेड दिस फॉर अ लॉन्ग टाइम. बट you have to understand that in last 60-70 years the country has a tax system, whereas forget about five slabs, we have 15-20 different slabs because each state is on its own, right? I mean, you have 12.5, 13, 14, 15, 5%, I mean, different rates. So it was not possible to start with that everything is attracting one tax or two taxes, because you can't have the same rate of tax on salt and luxury cars clearly in India. There are countries like Australia and New Zealand who have done that, but we will take time. So I think hopefully what will happen is over the next 4 or 5 years, we would converge towards maybe two different slabs, if not one. Certainly we will not have five, but to start with, I think this was the only way we could have proceeded further. But still, it's a much better tax system than what you have today. Sure. Twitter. Let's quickly look at our next question. This is coming to us on Twitter. 90% of administrative power is being delegated to states and union territories. How does the center control fair play to protect the consumer? No, it's not as if 90% has been given. 90% is only for those businesses where the turnover is less than 1.5 crore a year. And out of that, many will be exempt because up to 20 lakh, there is no tax. And up to 50 lakh, there will be a composition where you do just pay 1 or 2% tax and forget about anything else. So, of course, the state governments have much better infrastructure. They have many more people, and therefore, it was felt that the larger number of assessees
should go to states, but that should not be a problem. I mean, from a business point of view, the government has ensured that you will only deal with one set of authorities. You know, it will not deal with central government separately and state government separately, and I think that's again a major achievement. So don't be too concerned about the state role. I mean, it's only for turnover less than 1.5 crore, and above that, it is 50-50 divided between center and state. अंतिम सवाल की तरफ अगर बढ़ सकते हैं जल्दी से हम सवाल ले पाएं जीमेल या ट्विटर के जरिए. ये जीमेल के जरिए सवाल आया है, इज लॉज रिलैक्सिंग टू एक्साइज कस्टम्स एंड सर्विस टैक्स बी रिपील्ड बाय इंट्रोड्यूसिंग जीएसटी. यस यस, सो एक्साइज नॉट कस्टम्स एंटायरली, बिकॉज कस्टम्स द बेसिक कस्टम ड्यूटी विल रिमेन, बट अदर ड्यूटीज व्हिच आर यू नो सीवीडी एंड स्पेशल एडिशनल ड्यूटी, दोज वाज merge with GST. Excise duty of course goes away, except for few products which are like cigarettes and other things, tobacco. The excise duty and customs law, other than basic customs duty, will go away once GST comes in. और जो आपने जल्दी से बात की, वो जो कॉम्पोजिट स्कीम है उसमें 1% और 2%, उसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है. क्या अभी भी वो डिसाइड होना है कि किन चीज़ों पे 1% है, किस चीज़ पे 2% है? हाँ, तो उन्होंने ये बोला है कि 50 लाख तक अगर टर्नओवर, अलग अलग बोला है, ट्रेडर्स के लिए अलग बोला है, मैन्युफैक्चरर के लिए अलग बोला है. तो ट्रेडर्स के लिए मेरे ख्याल से 1% रखा है, मैन्युफैक्चरर के लिए 2% रखा है, ऐसा कुछ उन्होंने जीएसटी काउंसिल ने वो डिसाइड किया था. तो उसमें प्रोडक्ट क्या आप सेल कर रहे हैं उस पर फर्क नहीं पड़ेगा. उससे आप जो भी आप सेल कर रहे हैं, आप एक फ्लैट रेट आप पे कर देंगे, 2% या 1% अगर आप ट्रेडर हैं या मैन्युफैक्चरर हैं, जो भी है. तो काफी सिंपल स्कीम है. चलो, बहुत बहुत शुक्रिया प्रतीक जैन इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, हमारे इनडायरेक्ट टैक्स एक्सपर्ट और पीडब्ल्यू से जुड़े हुए पार्टनर. फिलहाल आज के इकोनॉमी टुडे में सिर्फ इतना ही. कल किसी नए मुद्दे के साथ आपके साथ फिर से इस कार्यक्रम में हाजिर होंगे. तब तक मुझे और मेरे वरिष्ठ सहयोगी मार्क लिन को दीजिए इजाजत. नमस्कार.